नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विप्लव 11 में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स साउथ अफ्रीका वर्सेज श्रीलंका इमर्जिंग प्लेयर के बीच जो सेवेंथ मैच खेला जाएगा इमर्जिंग प्लेयर वनडे का, इस मैच के डेवलपमेंट टीम की, और साथ साथ बात करेंगे दोनों ही टीमों के पिछले प्लेइंग 11 और पिछले तीन मैचों से परफॉर्म करते हुए आ रहे प्लेयरों के परफॉर्मेंस की। तो उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नोटिफिकेशन मिलते हैं वीडियो को देख करके ड्रीम 11 की टीम बना सके। तो प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, आप लोगों को बताइए। नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है उसके ऊपर आपको टच करना था, तो उसको टच कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले दोनों ही टीमों के पिछले प्लेइंग 11 और पिछले तीन मैचों से परफॉर्म करते हुए प्लेयरों के परफॉर्मेंस की। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स साउथ अफ्रीका का जो पिछला प्लेइंग 11 था उसकी। तो इनका जो पिछला प्लेइंग 11 था आप देख सकते हैं, एन ब्रांड, KW सेकुकाने, पोर्टगेटर, इसके अलावा आप देख सकते हैं शेनोकवाने, हरमैन, गिलीफिलडेन, उसका डी स्वाड, उसका स्वान पॉल फिलेंडर और मेले और जी पीटर्स। तो ये था यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स साउथ अफ्रीका का पिछला प्लेइंग 11 और पिछले तीन मैचों से जिन बैट्समैन ने स्कोर किए रन बनाए वो दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं डी पोर्टगेटर ने 124, 70 और 97, यानी 124, 70 और पिछले मैच में 97 रन बनाए। गिलफिलडेन ने बनाया 55, 0 और 19, 55, 0 और पिछले मैच में 19 रन बनाए। एन ब्रांड ने बनाया 0, 100 और 5, यानी 0, 100 और पिछले मैच में 5 रन बनाए। और इसके अलावा कोर्टजे ने बनाया 16, 39 और नॉट प्लेड, यानी 16, 39 और पिछले मैच में नहीं खेले थे। डी सोराट ने बनाया 22, 39 और 6, यानी 22, 39 और पिछले मैच में 6। हरमैन ने बनाया 14, 20 और 45, यानी 14, 20 और पिछले मैच में 45 रन बनाए। और जिन बॉलर ने पिछले तीन मैचों से विकेट लिए, अब जैसे तो पोर्टगेटर ने 3, 1 और पिछले मैच में कोई विकेट नहीं मिला इनको। डी सोराट ने 2, 0, 0, पिछले मैच में भी कोई विकेट नहीं मिला सोराट को। ब्रांड ने 1, 1 और पिछले मैच में भी कोई विकेट नहीं मिला इनको भी। और जी पीटर से 0, 2 और इनको भी पिछले मैच में कोई विकेट नहीं मिला। स्वान पॉल को 0, 2 और पिछले मैच में 3 विकेट मिला। फिलेंडर नॉट प्लेड और पिछले मैच में 3 विकेट मिला। तो ये थे इनके बैट्समैन और बॉलर जो पिछले तीन मैचों से परफॉर्म करते हुए आ रहे। अब बात करते हैं श्रीलंका इमर्जिंग प्लेयर की, जो पिछला प्लेइंग 11 था आप सदुन विराकोडी, मिनोन भानुका, इसके अलावा फातुम निशंका, असन बांद्रा, उसके बाद शम्मू हसन, रमेश मैंडिस, चरित अलासंका, लहरू मधुशंका, KKB परेरा, अमिला अपोन्सो और चामिका करुणरत्ने। तो ये था इनका पिछला प्लेइंग 11 और पिछले तीन मैचों से जिन बैट्समैन ने स्कोर किया ने रन बनाए। तो आप देख सकते हो सदुन विराकोडी 45, 0 और 42, यानी 45, 0 और पिछले मैच में 42 बनाए। इसके अलावा असलका ने बनाया 36, 66 और पिछले मैच में 6, यानी 36, 66 और पिछले मैच में 6 बनाए। संगीत कौरी ने बनाए 36, 15 और पिछले मैच में नॉट प्लेड, यानी पिछले मैच में नहीं खेले थे। 36, 15 और पिछले मैच में नहीं खेले। कामिंदो मैंडिस ने 35, 10 और नॉट प्लेड, यानी 35, 10 और पिछले मैच में नहीं खेले थे। उसके अलावा शम्मू हसन ने बनाया 22, 57, 19, यानी 22, 57 पिछले मैच में 19। असन बंदारा ने बनाया 24, 32, 23, यानी 24, 32 पिछले मैच में 23 बनाए। उसके अलावा रमेश मैंडिस नॉट प्लेड 54, पहले दो मैचों में नहीं खेले थे, पिछले मैच में 54 रन बनाए। फातुम निशंका नॉट प्लेड 37, यानी पहले दो मैचों में नहीं खेले थे और पिछले मैच में 37 रन बनाए। अब जिन बॉलर ने विकेट लिए श्रीलंका इमर्जिंग प्लेयर के, असीता फर्नांडो 3-1 नॉट प्लेड, यानी 3-1 और पिछले मैच में नहीं खेले थे। चामिका करुणरत्ने ने 2-1 और 1, यानी 2-1 और पिछले मैच में भी इनको एक ही विकेट मिला। अमीला अपोन्सो 1-1-2, यानी 1-1 और पिछले मैच में 2 विकेट मिला। लहरू मधुशंका 0-2-1, यानी 0, उसके बाद 2 विकेट लिए थे और पिछले मैच में 1 विकेट मिला। KKB परेरा ने नॉट प्लेड 1, यानी पिछले मैच में 1 विकेट मिला, उससे पहले दो मैच में नहीं खेले थे। रमेश मैंडिस नॉट प्लेड 1, यानी पहले दो मैचों में नहीं खेले थे और पिछले मैच में 1 विकेट मिला इनको। उसके बाद चरित अलासंका ने बनाया नॉट बॉल 0 और पिछले मैच में 1 विकेट मिला। तो ये थे इनके बैट्समैन और बॉलर जिनको पिछले तीन मैचों से परफॉर्म करते हुए आ रहे श्रीलंका इमर्जिंग प्लेयर के। तो इनमें से जिनको आप रखना चाह रहे हो अपनी टीम में रख सकते हो, और इनमें से मैंने भी अपने टीम में लिया ड्रीम 11 की टीम में। तो जो टीम मैंने बनाई वो टीम मैं आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। तो इस टीम में सबसे पहले हमेशा की तरह बात करेंगे हम विकेट कीपर की,
यहाँ पे मैंने ब्रैकोटी को लिया, आप चाहो तो हरमन को भी ले सकते हो, कॉर्ड पिछले मैच में नहीं खेले थे तो इनको ना ले तो ही अच्छा होगा। और वही बात करें भानुका की, तो भानुका को आप ले सकते हो लेकिन इतना अच्छा परफॉर्म रहा नहीं है इनका, आप देख सकते हो 3% लोगों ने लिया। अगर आप इनको लेना चाहते तो ले सकते हो, या फिर आप जो विराकोटी को मैंने सेलेक्ट करके रखा है और मैंने अपने टीम में लिया, अगर मेरे से सेटिस्फाई तो इनको लीजिएगा। और इसके बाद बात करते हैं बैट्समैन के, 3 बैट्समैन मैंने अपने टीम में लिया, गिल फिल्डर को लिया, एस असान को लिया, इसके अलावा लिया निशंका को। इसके अलावा जो आपका ऑप्शन है आप भंडारा को ले सकते हो, उसके अलावा आप शेकुखाने को आप ले सकते हो, तो कुछ ऑप्शन आपके पास बचते हैं। इसके अलावा सेनोक बाने को आप ले सकते हो, पिछले मैच में खेले थे, तो कुछ ऑप्शन आपके पास और बचते हैं, इनमें से ट्राई कर सकते हो, या फिर जो 3 बैट्समैन मैंने सेलेक्ट कर रखा है मैंने अपनी टीम में लगे, इन तीनों से सेटिस्फाई, तो इन तीनों के साथ भी आप जा सकते हो, गिली फिल्डन, एस असान और निशंका। इसके बाद बात करते हैं ऑलराउंडर की, तो मैंने पोर्टगेटर को लिया, एन ब्रांड को लिया, अशलंका को लिया, इसके अलावा मैंने जो चौथा ऑलराउंडर लिया मधुशंका को लिया। इसके अलावा जो आपका ऑप्शन है एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, डिसॉर्ट का, तो आप डिसॉर्ट को आप ले सकते हो, और रमेश मेंडिस भी आपका ऑप्शन है, रमेश मेंडिस को भी ले सकते हो, सॉरी 2 ऑप्शन है आपके पास, रमेश मेंडिस और डिसॉर्ट का, इन दोनों में से भी ट्राई कर सकते हो। कमिंग मैच मेंडिस पिछले मैच में नहीं खेले तो इनको ना ले तो ही अच्छा होगा, या फिर आप मैंने जो 4 लिए मेरे से सेटिस्फाई और मेरे साथ जाना चाहते हो तो इन चारों के साथ जाइएगा, पोर्टगेटर, एंड ब्रांड, अशलंका और इसके अलावा मधुशंका। इसके बाद बात करते हैं बॉलिंग की, तो बॉलिंग में 3 बॉलर मैंने लिया, सनपॉल को लिया, अपनसो को लिया, फिलेंडर को लिया। इसके अलावा जी जी पीटर्स को ले सकते हो, सी करुणरत्न को ले सकते हो, मेले को ले सकते हो, तो कुछ ऑप्शन आपके पास बचता है, इनमें से किसी को भी ट्राई कर सकते हो, या फिर जो 3 बॉलर मैंने सेलेक्ट किया अगर मेरे से सेटिस्फाई तो इन तीनों के साथ जाइएगा, सनपॉल, अपनसो और फिलेंडर। इसके बाद बात करते हैं टीम प्रिपेयर कैप्टन और वाइस कैप्टन की, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कैप्टन पोर्टगेटर को बनाया, वाइस कैप्टन मैंने अलशंका को बनाया। इसके अलावा आप एन ब्रांड को बना सकते हो, मधुशंका, गिली फिल्डन, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास आप इनमें से किसी को भी बना सकते हो, या फिर जो 2 ऑप्शन मैंने दिए इन दोनों के साथ ही जा सकते हो, और अगर आप मेरे सेटिस्फाई तो इन दोनों के साथ ही जाएगा, पोर्टगेटर और अलशंका के साथ। इसके बाद बात करते इसके बाद लास्ट में फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, नोटिफिकेशन मिलते ही वीडियो को देख करके ड्रीम11 की टीम बना सके। एंड वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कर देना और फ्रेंडों में शेयर जरूर कर देना, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और हमारी भी हेल्प हो जाए। एंड आई होप इतनी रिक्वेस्ट करता आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।